हे वीव्स, वेलकम टू रॉ एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तुमने बहुत सारे स्कूल बेस्ड फाइटिंग एनिमे देखे होंगे, लाइक लोकीजम, टोक्यो रिवेंजर्स एंड विंडब्रेकर, जो कि फिलहाल काफी पॉपुलर हो रहा है। पर अगर इन तीनों में से तुमने कोई सा भी एनिमे नहीं देखा है तो तुम सोच रहे होगे इन एनिमे में नया क्या है। ये सब तो स्कूल बेस्ड फाइटिंग एनिमे है जो इस स्कूल से उस स्कूल बस फाइट करते रहते हैं। तो यही डाउट आज मैं तुम्हारा क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ, आज मैं लोकीजम को साइड रख के टोक्यो रिवेंजर्स और विंडब्रेकर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि लोकीजम के सिर्फ 8 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं, तो अभी इसके बारे में बात करना सही नहीं होगा। और अगर तुमने लोकीजम का मानवा पढ़ा है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये एनिमे कितना लंबा चलने वाला है। तो चलो, ये सब को साइड में रखकर हम टोक्यो रिवेंजर्स और विंडब्रेकर के बारे में बात करते हैं। पहले मैं तुम्हें टोक्यो रिवेंजर्स के मेन कैरेक्टर ताकेमिची से मिलाता हूँ, जो बिल्कुल भी कूल नहीं है, हर फाइट में रोता रहता है। इसके पास एक क्यूट सी लड़की है जो ये डिजर्व नहीं करता, पर इसके पास एक पावर है जो इसे पास्ट में ले जा सकती है। एंड हियर द ट्विस्ट, ये बार बार पास्ट में जाता है और चीजें सही करता है, पर जब ये फिर से फ्यूचर में आता है तो सारी चीजें और बिखर जाती हैं। और अगर तुमने टोक्यो रिवेंजर्स नहीं देखा है तो तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये पास्ट में क्या चीजें सही करने जाता है। पर जिन्होंने ये एनिमे देख रखा है उन्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें विंडब्रेकर के मेन कैरेक्टर साकुरा से मिलाता हूँ, जो कि काफी कूल है, हर फाइट में सबको धोता है। और हाँ, इसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये बंदा सेल्फ मेड है। और इस एनिमे की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है साकुरा, उसके यूनिक लुक और बिहेवियर के कारण कोई उससे बात नहीं करता और सब उसे चिढ़ाते हैं। इसलिए वो सोचता है अगर मैं किसी को फाइट में हरा दूं तो मैं उससे बेहतर हो जाऊंगा। इसलिए वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में न्यू हाई स्कूल अटेंड करने आता है, जो फेमस है फाइटर्स के लिए, और वो यहाँ सबको हरा कर नंबर वन बनना चाहता है। तो ये तो था इन दोनों का स्टोरी लाइन। और अगर तुम बात करो इन दोनों में से कौन सा एनिमे बेहतर है, तो चलो हम वोटिंग करते हैं। नंबर वन, बेटर MC, जो कि मुझे साकुरा काफी कूल लगता है एज कम्पेयर टू ताकेमिची, तो मैं इसमें साकुरा को वोट करूंगा। नंबर टू, बेटर साइड कैरेक्टर। इन दोनों एनिमे में साइड कैरेक्टर काफी अच्छे हैं, इसलिए मैं दोनों को वोट करूंगा। नंबर थ्री, स्टोरी लाइन। मैं स्टोरी लाइन में कोई कंपेयर नहीं करूंगा, इन दोनों की स्टोरी काफी अच्छी है, इसलिए मैं दोनों को वोट करूंगा। नंबर फोर, बेटर एनिमेशन। अगर तुम एनिमेशन की बात करते हो तो विंडब्रेकर की एनिमेशन काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू टोक्यो रिवेंजर्स, इसलिए मैं इसमें विंडब्रेकर को वोट करूंगा। सो यार, रिजल्ट तुम्हारे सामने है, विंडब्रेकर इज बेटर देन टोक्यो रिवेंजर्स। हाँ, मुझे पता है तुम मुझे काफी हेट करोगे रिजल्ट के अकॉर्डिंग, पर तुम्हें भी बार बार ताकेमिची को रोता देख और सरी हुई एनिमेशन में फाइट होता देख तुम्हें गुस्सा तो जरूर आता होगा, पर हम क्या कर सकते हैं, इट इज व्हाट इट इज। तो चलो यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सावना रहियो।